Hello kids, good morning. I hope all of you are fine. So this is chapter 22, Patola. So before starting the chapter, we will have some brief introduction about the chapter, okay? So kids, do you know, cotton cloth is obtained for cotton and cotton yarn or thread. Cotton cloth kis liye banaya jata hai? Cotton, cotton yarn or thread ke liye, okay? Since ancient times, many different places of our country is famous for making various types of things, okay? हमारी कंट्री में ऐसी बहुत सारी एशियन चीज़ें हैं जो काफ़ी सिटीज़ है, जहाँ पे काफ़ी स्टेट्स है, वो अलग अलग ऐसी ऐसी चीज़ें बनाती है. हैंडीक्राफ्ट चीज़ें जो होती है वो लोग बनाते हैं, जो अपने हाथों से बनाते हैं वो लोग ऐसी चीज़ें, ओके, ट्रेडिशनल चीज़ें. हम सब ने सुना है उनके बारे में, तो लेट अस सी वो कौन सी चीज़ें हैं. दिस इंक्लूड पटोला फ्रॉम पाटन, मलमल फ्रॉम ढाका, शॉल्स फ्रॉम कुल्लू, मधुबानी पेंटिंग, सिल्क फ्रॉम आसाम, एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम कश्मीर एंड कच्छ, बांधनी फ्रॉम जेतपुर, बैंगलोर साड़ी फ्रॉम बैंगलोरू, बनारसी साड़ी फ्रॉम बनारस, क्ले वर्क ऑफ खानगढ़ एक्सेट्रा. तो देखा आपने कि हर सिटी, हर स्टेट की अपनी अलग अलग एक चीज़ है, जैसे कि पटोला का पाटन है, बैंगलोर की फेमस साड़ी है, कुल्लू की शॉल्स है, मलमल ढाका का है उसका मलमल है, मधुबानी पेंटिंग, सिल्क, ये सब किसका है? असम का है. एम्ब्रॉयडरी किसकी है? कश्मीर की है. तो हर ये चीज़ अपनी अपनी अलग अलग एक वो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बनाते हैं, और ये सब चीज़ें बहुत स्पेशल होती है क्योंकि बहुत कम लोग ये सब चीज़ें बनाते हैं, ओके. वेरियस टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स आर मेड इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल, वूल, सिल्क, डेनिम, नायलॉन, पॉलिस्टर, जूट एक्सेट्रा. अब आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हमने इन सब टाइप के फैब्रिक्स के बारे में सुना ही है, जैसे कि जूट है, वूल है, सिल्क है, डेनिम है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, ये सब तो फैब्रिक्स हमने देखे ही है, ओके. ईच फैब्रिक्स हैज डिफरेंट कलर, सो क्लोथ्स आर कलरफुल. और सब फैब्रिक्स जो होते हैं ना, उनका कलर अलग होता है. ऐसा तो हमने नहीं देखा कि सारे फैब्रिक का एक ही कलर होता है. सारे फैब्रिक्स का कलर अलग 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 हो जाता है. और कलर कैसे अलग होता है? बिकॉज उनको डाई करते हैं, तो डाइंग की वजह से उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, और जो वो कैसे बन जाते हैं? कलरफुल बन जाते हैं, ओके. वी सी वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंट्स एंड डिजाइंस ऑन क्लोथ. दिस डिजाइंस आर प्रिंटेड ऑन द क्लोथ. हम कपड़ों पे काफ़ी बार अलग अलग टाइप के प्रिंट्स देखते हैं, डिज़ाइंस देखते हैं, तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, वो क्लोथ्स पे प्रिंटेड होती है, प्रिंट कर देते हैं इन सब चीज़ों को क्लोथ्स पे, ओके. अ लॉट ऑफ एंशियंट वीविंग हैंडीक्राफ्ट स्किल्स आर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिसअपियरिंग. अब ये जो बहुत सारी एशियंट वीविंग स्किल्स है ना, वो धीरे धीरे गायब हो रही है, वो चली जा रही है. लोग उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, एशियन स्किल्स की वैल्यू नहीं कर रहे हैं. द पटोला फ्रॉम पाटन इज चीफ अमंग देम. और ये जो पटोला है ना, वो बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाएगा अगर लोग उसकी वैल्यू नहीं करेंगे तो. इफ दिस आर्ट इज नॉट लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली, दिस प्रीशियस आर्ट विल बी लॉस्ट फॉर एवर इन अ फ्यू ईयर्स फ्रॉम टूडे. अगर इस आर्ट का प्रॉपरली ध्यान नहीं रखा, लोगों ने पटोला नहीं खरीदा, तो आज के बाद थोड़े ही टाइम में पटोला हमको देखने को भी नहीं मिलेगा और वो डिसअपियर हो जाएगा. तो ये जो पटोला है, इसको हमको इम्पोर्टेंस देनी है. और अगर आप कहीं कभी पाटन जाओ भी, तो यू हैव टू परचेज दिस पटोला, ओके, बिकॉज वहाँ की फेमस चीज़ है ये. अब हम देखेंगे कि ओके, लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. मोक्षा एंड निर्मल लिव इन सलावीवाड़ा ऑफ पटन. ओके, मोक्षा और निर्मल कहाँ रहते हैं? सलावीवाड़ा रहते हैं पाटन में, ओके. देयर होम इज ऑलवेज फील्ड विद बंडल्स ऑफ ब्राइट कलर्ड सिल्क थ्रेड. और उनका जो घर है वो पूरे टाइम ब्राइट कलर के धागों से ही भरा हुआ रहता है, सिल्क के. देयर मदर कोकिला बहन एंड फादर अशोक भाई एंड एवरी वन इन द फैमिली आर वीवर्स. उनकी फैमिली में सब कौन है? वीवर्स है. उनके मदर फादर और उनकी फैमिली में जो भी है, उनके अंकल आंट वगैरह, वो सब कौन है? वीवर्स. वीवर्स मतलब जो वीव करते हैं, उनको हम गुजराती में वणकर भी बोलते हैं, ओके. द वीविंग दे डू इज वेरी ब्यूटिफुल एंड स्पेशल. और जिस टाइप की वो वीविंग करते हैं ना, वो बहुत ब्यूटिफुल और बहुत स्पेशल होती है, ओके. From many centuries, Salavi families are living in Salaviwada. The special weaving work done by them is known as patola. और जो वो special weaving work करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? Patola बोलते हैं. और ये कौन करता है? Salavi families. और वो कहाँ रहते हैं? Salaviwada में ही रहते हैं. Nowadays, a patola house is established to inform Indian people and people from all over the world about the special weaving work. Okay, और वहाँ पे क्या बना है? एक पटोला हाउस बना है जो इंडियन पब्लिक को बताता है कि पटोला कितना इंपॉर्टेंट है और कितना स्पेशल वीविंग वर्क होता है यहाँ पे. तो अगर हम कभी वहाँ पे जाएंगे ना, तो हम अगर विजिट लेंगे ना, तो हमको पूरा प्रोसेस पता चलेगा कि पटोला कैसे बनता है, क्या बनता है, उसके क्या रेंजेस है, क्या सब कुछ है, वो सब हमको पता चल जाता है अगर हम कभी वहाँ पे विजिट लेंगे उधर की तो. The craftsman who made Rani Ki Vav in Patan. Okay, Rani Ki Vav एक step well है जो रानी के लिए बनाया गया था. तो जिन craftsman ने वो Rani Ki Vav बनाया था ना, उन्होंने they also had used the design of patola in the stone work. उन्होंने जो उसके लिए stones बनाया ना, उसमें उन्होंने कौन सी design use की है? Patola की design use की है. The poets of Gujarat have also discussed about
this craft in their folk songs like chela jire mari haru patan thi patola monghala vach. ये गाना तो आप सब लोगों ने सुना होगा. तो काफी जो पोएट गुजरात के पोएट्स है ना, उन्होंने भी पाटन का इम्पोर्टेंट, पाटन का जो पटोला है उसका इम्पोर्टेंस अपने सॉन्ग्स में, अपनी पोएम्स में बताया है. ओके. मोक्षा एंड निर्मल्स पेरेंट्स लर्न दिस आर्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स. नाउ मोक्षा एंड निर्मल ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल एंड लर्निंग दिस आर्ट. ओके, जो मोक्षा और निर्मल के पेरेंट्स थे उन्होंने ये आर्ट अपने पेरेंट्स से सीखा है. अभी मोक्षा और निर्मल भी स्कूल से घर आके ये जो आर्ट है वो अपने पेरेंट्स से सीख के उनकी हेल्प करते हैं. ओके किड्स, हम अभी हम देखेंगे कि पटोला क्या होता है. ओके, पटोला इज अ डबल इकट वुवन साड़ी यूजली मेड फ्रॉम सिल्क. ओके, एक डबल इकट वुवन साड़ी है जो किससे बनती है, सिल्क से बनती है. मेड इन पाटन गुजरात. द वर्ड पटोरा इज द प्लूरल फॉर्म, द सिंगुलर फॉर्म इज पटोलू. दे आर वेरी एक्सपेंसिव, वंस वर्न ओनली बाय दोज बिलोंगिंग टू रॉयल एंड आर्टिक्रेटिक फैमिलीज. ओके, ये जो पटोला है वो बहुत एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव होता है. जिनके पास बहुत पैसे है, बहुत सारे पैसे है, वही खरीद सकता है, बिकॉज इसका प्राइस है 15,000 से स्टार्ट होता है. 15 to 30,000 के अंदर अंदर तो ये मिलता है. अगर अगर हम ज्यादा महंगा लेने जाए तो ये 50,000 तक का भी मिलता है, 1 लाख का भी मिलता है. तो पटोला बहुत महंगा होता है. तो इसकी पर इसकी एक गारंटी होती है कि इसका जो कलर है, इसकी जो डिजाइन है, इसकी जो प्रिंट है वो कभी फेड नहीं होती. और ऐसा कहा जाता है कि वो 300 ईयर्स तक ऐसे की ऐसे रहती है. ओके किड्स, तो किड्स दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पटोलाज ऑफ पाटन. इतने सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं तब जाके ये पटोला बनता है. और एक एक जो पटोला साड़ी है ना उसको बनने में बहुत सारा टाइम लगता है, बिकॉज वो एकदम बहुत डिटेल और एकदम बारीकी से बनाते हैं. उसको डाई करते हैं, उसको वीव करते हैं, उस पर प्रिंट करते हैं. और जो मलबरी सिल्क है उसको डाई करने में बहुत टाइम लगता है उनको, और वो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है. इसलिए जो पटोला की साड़ीज है वो हमको बहुत एक्सपेंसिव लगती है, बहुत पैसे में मिलती है वो हमको. तो ये इतने सारे स्टेप्स इन लोगों को फॉलो करते हैं, और ये देखो सब अपने हाथ से कर रहे हैं. सो दिस इज अ हैंड वोवन आर्ट, ये हाथों से बनाते हैं पटोला. और ये मतलब बहुत एंशंट आर्ट है हमारे गुजरात का, तो इसको बचाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके किड्स, सो आप कभी भी पाटन जाओ तो प्लीज विजिट करना, और वहां पे आप देखना कि पटोलास कैसे बनते हैं. ओके. फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ, द थ्रेड्स विच आर यूज टू वीव पटोला इज मेड फ्रॉम मलबरी सिल्क. ऐसे ये हमने देखा है कि जो थ्रेड्स होती है, जो यूज होती है पटोला बनाने के लिए, वो किससे बनती है, मलबरी सिल्क से बनती है, विच इज व्हाइट. वो कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है. फादर ब्रिंग्स दिस सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम आउटसाइड. ओके, जो मोक्षा और निर्मल के पापा है वो कहाँ से, बाहर से लेके आते हैं ये सिल्क थ्रेड्स को. द थ्रेड्स आर ओपन्ड एंड मेड इनटू अ ग्रिड, लेड आउट इन अ क्रिस क्रॉस मैनर. ओके, जो ये थ्रेड्स होती है उनको खोलते और ऐसे क्रिस क्रॉस मैनर में उनको लेड कर देते हैं. आफ्टर दैट डिजाइन इज मेड ऑन दैट, और उसके बाद उनपे क्या बनती है, डिजाइन बनती है. डिजाइन थ्रेड इज टाइड आफ्टर. ओके, विच इज कॉल्ड बांधनी वर्क. उसके बाद जो थ्रेड डिजाइंड हो जाती है उसके बाद वो लोग उस पर क्या करते हैं, बांधनी वर्क करते हैं. द पार्ट विच हैज टू बी डाइड इज केप्ट ओपन एंड अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट इट इज डाइड एंड टाइड अप अगेन. और जिस पार्ट पे उनको डाई करनी रहती है उसको वो खुला रखते हैं और मेजरमेंट के हिसाब से उस पर डाई करते हैं वो. दिस वर्क इज हार्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग. और ये जो काम है वो बहुत हार्ड, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है. ये करने के लिए बहुत सारा पेशियंस स्किल्स भी होनी चाहिए इंसान के पास ये काम करने के लिए. ओके, When grid is designed and finished dyeing, after that it is put up on a handloom for weaving. और उसके बाद वो किस पे रखते हैं, handloom पे रखते हैं उसको weave करने के लिए, dye करने के बाद. Hence after the handwork of 4 to 6 months, beautiful and colorful patola is prepared. और उसके बाद वो पटोला को बनने में कितना टाइम लगता है, 4 से 6 महीने लगते हैं. 4 से 6 महीने का उनको उस पर हैंडवर्क करना पड़ता है, उसके बाद वो पटोला बनता है. पटोला बनाना बहुत मुश्किल काम है, इट इज नॉट ईजी. ओके, ग्रीन इज फास्ट कलर, सो देर इज नो चांस ऑफ वॉशिंग आउट द कलर ऑफ पटोला. वो इतना अच्छे से बनता है, इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और इतनी अच्छी उसमें डाई यूज होती है कि वो जो पटोला है उसका कलर कभी फेड नहीं होता है. ड्यूरेबिलिटी एंड कलर ऑफ पटोला रिमेन द सेम फॉर मेनी ईयर्स. या मैंने आपको बताया है कि वो कलर है वो सब 300 ईयर्स तक मैक्सिमम रहता है, ऐसा कहा जाता है. दैट इज वाई इट इज सेइंग इन गुजराती दैट पड़ी पटोले भात फाटे पन फीटे नहीं. एक बार पटोले पे अगर प्रिंट पड़ गई तो वो फट सकता है पर वो प्रिंट जाएगी नहीं कभी. ओके, हैंडीक्राफ्ट इज इन डेंजर. इन द प्रिपरेशन ऑफ पटोला केयर एंड पेशेंस आर रिक्वायर्ड फॉर द सिल्क ऑफ वीविंग डिजाइनिंग एंड डाइंग, स्किल ऑफ वीविंग डिजाइनिंग एंड डाइंग. ओके, जो पटोला होता है ना उसको बनाने के लिए एक इंसान के अंदर बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है, बिकॉज वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है.
कभी 4 से 6 महीने लग सकते हैं, कभी 7 to 8 months लग सकते हैं, तो उसमें बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है और बहुत सारी स्किल्स भी चाहिए होती है वीव करने के लिए, उसको डिजाइन करने के लिए, उस पर डाई करने के लिए। ऐसे ही कोई भी नहीं बना सकता पटोला। ओके, इट इज अ हार्ड वर्क ऑफ मेनी डेज। ओके, बहुत सारे दिन का वो एक हार्ड वर्क होता है। मलबरी सिल्क एंड कलर्स आर वेरी कॉस्टली, और जो मलबरी सिल्क होता है और उसके जो कलर्स होते हैं ना, वो बहुत कॉस्टली रहते हैं, इसलिए पटोला साड़ीज बहुत हाई कॉस्ट में बिकती है। सो पटोलाज आर सोल्ड एट वेरी हाई कॉस्ट, इसलिए तो वो बिकती है, बिकॉज मलबरी सिल्क इतना महंगा है तो ऑब्वियसली साड़ी भी तो महंगी होगी। अर्लियर देयर वर 700 फैमिलीज कनेक्टेड विद हैंडीक्राफ्ट, बट नाउ ओनली 3 फैमिलीज आर ट्राइंग टू कीप द हैंडीक्राफ्ट अलाइव। ओके, पहले क्या था, 700 फैमिलीज थी ऐसी जो पटोलास बनाती थी और इस हैंडीक्राफ्ट पे काम करती थी, पर आज अभी अभी के टाइम पे कितनी फैमिलीज बची है, ऐसी 3 ही फैमिलीज बची है जो पटोला को अलाइव रख के रखा है उन्होंने, और पटोला वो लोग बनाते हैं। मेनी पीपल हैव लेफ्ट दिस ऑक्यूपेशन, बहुत सारे लोगों ने ये ऑक्यूपेशन छोड़ दिया, बिकॉज वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है, कोई खरीद रहा नहीं है, कोई उस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, इसलिए काफी लोगों ने ये ऑक्यूपेशन छोड़ दिया है। पटोला हैंडीक्राफ्ट इज नॉट ओनली द प्राइड ऑफ पाटन, बट इट इज द डिग्निटी एंड प्राइड ऑफ गुजरात एंड इंडिया। पटोला सिर्फ पाटन की प्राइड नहीं है, बट वो हमारे गुजरात, हमारे इंडिया की भी डिग्निटी है, प्राइड है। पाटन को किससे पहचाना जाता है? ऑब्वियसली अगर हम कोई बोले कि पाटन जा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो चीज होगी कि पटोला ऑफ पाटन, वहां पे तुम पटोला जरूर देख के आना। तो पटोला क्या है, पाटन की नहीं सिर्फ प्राइड है, वो हमारे गुजरात, हमारे इंडिया की भी प्राइड है। ओके, पटोला इज प्रीशियस एंड यूनिक डिग्निटी ऑफ एंशियंट हेरिटेज एंड इंडियन कल्चर। ओके, वो बहुत क्या बोलते हैं, यूनिक है और एंशियंट हेरिटेज और हमारे इंडियन कल्चर का एक पार्ट है, बहुत प्रीशियस है वो हमारे लिए। इट इज गोइंग टू बी वैनिश्ड, फॉर दैट वी हैव टू गिव गुड प्राइस ऑफ पटोला एंड हेल्प द कसाबीज, अदरवाइज द प्रीशियस आर्ट विल बी वैनिश्ड। ओके, ये जो पटोला है ना, अगर हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, इसके अच्छे पैसे नहीं देंगे जो ये पटोला बनाते हैं उनको, तो वो लोग भी ये बनाना बंद कर देंगे, बिकॉज उनको पैसे नहीं मिल रहे और ये इतना अच्छा हमारा एंशियंट आर्ट है वो वैनिश्ड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। तो हमको पटोला को इम्पोर्टेंस देनी है, और कभी भी अगर हम पाटन विजिट करें और अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो हमको वो पटोला खरीदना चाहिए, ताकि हमारा ये जो आर्ट है वो खतरे में ना पड़े। ओके, वो खत्म ना हो जाए। Discuss, will Moksha and Nirmal be able to teach the children this beautiful art? Okay, अब ये आपको सोच के रखना है कि जैसे जैसे हमने देखा कि पटोला वैनिश होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, इसके जो स्किल आर्टिस्ट है वो बहुत कम बचे हैं, तो क्या मोक्षा और निर्मल अपने बच्चों को ये ब्यूटीफुल आर्ट सिखाएंगे या उनको कोई दूसरे बिजनेस में डाल देंगे? तो यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन। ओके, राइट इन योर नोटबुक, हैव यू एवर सीन एनीबॉडी वीव समथिंग ऑन अ लूम, व्हाट वर द वीविंग एंड वेयर? आपने कभी देखा है किसी को कुछ लूम पे वीव करते हुए, तो वो क्या वीव कर रहे थे, वो आपको फाइंड आउट करना है। द थ्रेड्स ऑफ साड़ी आर डाइड, डू यू नो एनी अदर थिंग दैट इज डाइड? साड़ी के जो थ्रेड होते हैं वो तो डाई करते ही है, बट आपने कोई और ऐसी चीज देखी है जिसपे डाई किया हो? डू यू नो एनी अदर वर्क विद वेयर मेनी पीपल वर्क टूगेदर इन वन प्लेस? आपने कभी ऐसा काम देखा है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक ही जगह पे काम करते हैं एक ही चीज को बनाने के लिए? गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द थिंग, और वो कौन सी चीज़ है और उस चीज़ को कैसे बनाते हैं, उसका प्रोसेस आपको फाइंड आउट करना है। तो मैन एंड वुमेन डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क टू मेक दिस थिंग, और उसमें जो मैन और वुमेन काम कर रहे होते हैं वो अलग अलग काम कर रहे होते हैं या क्या काम कर रहे होते हैं, वो फाइंड करना है। टू चिल्ड्रन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन मेकिंग दिस थिंग, उनके जो बच्चे हैं क्या वो भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं? आपको कोई ऐसा एक काम ढूंढना है और आपको इन सब उसके बारे में ये सब इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करके रखनी है। ओके, फाइंड आउट एंड राइट, टॉक टू अ ब्लैक स्मिथ, अ कार्पेंटर एंड अ पॉटर अबाउट द नेचर ऑफ देयर वर्क। ओके, आपको इनमें से किसी भी एक से कभी भी आपने कहीं भी उनको देखा हो, कार्पेंटर को, पॉटर को या ब्लैक स्मिथ को आपके घर के आसपास या कभी भी, तो उनसे आपको ये क्वेश्चन पूछना है किसी भी एक को। ओके, वेयर डिड दे लर्न टू डू देयर वर्क, उन्होंने ये काम कहाँ से सीखा है? वॉट एल्स दे नीड टू लर्न टू बी एबल टू डू दिस वर्क, और उनको और क्या क्या सीखने की जरूरत है ये काम करने के लिए? हैव दे टॉट दिस वर्क टू एनीबडी इन देयर फैमिली और एनीवन एल्स, उन्होंने ये काम उनकी फैमिली में किसी और को सिखाया है? ओके, ये आपको क्वेश्चन फाइंड करने हैं। द टेबल गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क दैट पीपल डू, डू यू नो पीपल हु डू सच वर्क? राइट देयर नेम्स इन द फर्स्ट कॉलम, इन द नेक्स्ट कॉलम राइट द राइट फ्रॉम होम हैव दे लर्न देयर वर्क, राइट इट। ओके, अब ये सब काम है, इसमें हमने देखा कि कोई काम है वो क्या बोलते हैं, उन्होंने किससे सीखा है और कौन ये काम कर रहा है। ओके, सो पहले क्लोथ वीविंग, तो वो हमने देखा कि मोक्ष और निर्मर के पेरेंट्स कर रहे हैं, उन्होंने किससे सीखा है, अपने एल्डर्स से सीखा है। तो ऐसे इतने सारे काम है, कुकिंग है, साइकिल रिपेयरिंग है, ड्राइविंग बस है,
एम्ब्रॉयडरी है, सिंगिंग है, मेकिंग शूज है, मेकिंग काइट्स है, फार्मिंग है, कटिंग हेयर है, तो आप किसी को भी ऐसे लोगों को जानते हो, आपके फ्रेंड्स, आपके नियर बाय में, जो ये काम करते हैं और उन्होंने किससे सीखा है, उनके बारे में आपको लिखना है। फर्स्ट कॉलम में आपको ये लिखना है कि कौन करता है ये काम, और सेकेंड कॉलम में आपको क्या लिखना है कि उन्होंने किससे सीखा है। ओके सो किड्स, इस चैप्टर में हमने किसके बारे में समझा है, पटोला के बारे में, पाटन के बारे में, जो हमारे गुजरात इंडिया की डिग्निटी है, और जल्दी ही वो आर्ट वैनिश हो जाएगा अगर अगर हमने उसकी प्रॉपर प्राइस नहीं दी, अगर हमने उसको खरीदा नहीं, अगर हमने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। सो किड्स कीप इट माइंड, नेक्स्ट टाइम जब भी आप पाटन विजिट करो, आप पटोला को देखोगे, उसका प्रोसेस देखोगे, और अगर आप उसको खरीद पाओ तो आपको उसको खरीदना भी है। ओके सो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे इंडिया की एशियन चीजें जो धीरे धीरे वैनिश होती जा रही है, बिकॉज हम मॉडर्न कल्चर्स की वजह से, मॉडर्न कपड़ों की वजह से हमारी जो एशियन चीजें हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो प्लीज किड्स कीप इन माइंड कि हमारी एंशियंट चीजों को बचाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी आप कहीं भी कोई भी एंशियंट चीज देखो तो यू हैव टू परचेज दैट थिंग, आपको उसका प्रोसेस देखना है, कैसे बनती है, वो सब देख के रखना है। ओके सो आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड द चैप्टर। बाय एवरीवन।